आप सभी को नमस्कार। मैं हूँ आयुषी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सूजी के लड्डू बनाएंगे और इन्हें हम खीस के साथ बनाने वाले हैं। सूजी के लड्डू खीस के साथ बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी लिया है। अब इसे एक कढ़ाई में डालेंगे और मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें 1 कटोरी सूजी यानी कि रवा डालेंगे। अगर वेट के हिसाब से देखें तो ये 200 ग्राम है। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। इसकी फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक या इसका कच्चापन जाने तक भूनेंगे। मैंने इसे लगातार चलाते हुए 5-6 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लिया है और अब इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है, तो हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से किशमिश लिए हैं, 10 से 12 काजू लिए हैं और इन्हें छोटे पीसेस में काट लिया है। 12 से 15 बादाम लिए हैं, इन्हें भी छोटे पीसेस में काट लिया है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया है। अगर आपको नारियल का फ्लेवर पसंद हो तो आप इसमें कद्दूकस करके 3 से 4 टेबलस्पून नारियल ज़रूर डालें। इससे सूजी के लड्डू में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब हम इसे 2-3 मिनट और भून लेंगे। इससे ड्राई फ्रूट्स भी सूजी के साथ ही रोस्ट हो जाएंगे और आपको इन्हें अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे इनमें बहुत ही बढ़िया सा क्रंची टेस्ट भी आ जाएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। सूजी का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है और ये खिली खिली और दानेदार दिखने लगी है। इसका मतलब है कि सूजी भुन गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में 1/2 लीटर खीस डालेंगे। अगर खीस अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खीस को दूसरे नामों से जानते हैं, जैसे कि बोली, पीयूष या चीक। और जो नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि गाय और भैंस के बच्चा होने के बाद पहले 3-4 दिनों का जो दूध होता है उसे खीस कहते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होती है और जब भी अवेलेबल हो आप इसे ज़रूर कंज्यूम करें। यहाँ पर मैंने गाय की खीस ली है, ये बिल्कुल ताज़ा खीस है और अब हमें इसे लगातार चलाते हुए गर्म करना है। ये बहुत ही जल्दी थिक हो जाते हैं। ये देखिए, अभी मुझे इसे गैस पर रखे हुए हार्डली 5 मिनट हुए हैं और ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। हम इसे थोड़ी देर इसी तरह से और चलाते रहेंगे क्योंकि इसे गाढ़ा करके हमें इसका खोया निकालना है। 10-12 मिनट लगातार चलाने के बाद इसका लगभग सारा दूध सूख गया है और इसमें 2-3 टेबलस्पून दूध ही बचा है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को कम कर देंगे और हमने जो सूजी भूनकर रखी थी वो इसमें मिला देंगे। इस तरह से जब हम इसे सूजी के साथ 2-3 मिनट भूनेंगे तो सूजी फूल जाएगी और इससे लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। लेकिन अगर आपको लड्डू थोड़े से क्रिस्पी और दानेदार चाहिए तो आप पहले इसका सारा दूध सुखा लें, उसके बाद इसमें सूजी मिलाएं। इसके साथ ही मैं इसमें 3/4 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। हमने 1 कटोरी सूजी ली थी, उसका 3/4 चीनी लेंगे। लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो चीनी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए 2-3 मिनट भून लेंगे। दो तीन मिनट अच्छे से भूनने के बाद सूजी फूल जाती है और इस तरह से इकट्ठी होने लगती है। हमने इसमें 1/2 लीटर खीस का खोया मिलाया है और 1/2 लीटर खीस में लगभग 150 से 200 ग्राम खोया निकल जाता है। इससे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और इसके लड्डू भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे। जब ये इतनी ही गर्म रह जाएगी कि हम इसे हाथ से आराम से छू पाएँ तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ठंडा होने के बाद ये मिक्सर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो इसके लड्डू बनाने के लिए आप थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेकर देखें और अगर बनाते वक्त ये बिखर रहा हो तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून घी मिला दें, उसके बाद इन्हें बनाएं। हमने सूजी में सफिशियंट अमाउंट में खोया मिलाया है, इसलिए इसके लड्डू बहुत ही आराम से बन रहे हैं। अब आपको जितने भी साइज़ के लड्डू बनाने हैं उसके हिसाब से हाथों में मिक्सर ले लें और इस तरह से हाथों से इन्हें गोल घुमाते हुए बनाएं। अब सारे लड्डू इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरह से सूजी और खीस के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। और गाँव में तो खीस अक्सर भरपूर मात्रा में अवेलेबल होती है और सब उसकी एक ही रेसिपी से बोर हो जाते हैं, इसलिए अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं ये आपको कैसे लगे। सारे लड्डू बन चुके हैं और अब मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं।
तो इस बार जब भी आपको खीस मिले आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप मेरी खीस की दूसरी रेसिपीज़ भी ट्राई करना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने वीडियो के लास्ट में दी हुई है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।